हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भुट्टे के पकौड़े बनाने की रेसिपी। मार्केट में अभी ताज़े ताज़े भुट्टे मिल रहे हैं, तो आप पकौड़े बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 kg भुट्टे लिए थे और उसके दाने अलग कर लिए हैं, और इस तरह से पानी में हमने डिप करके रखा हुआ है। तो इसको हम डालते हैं ग्राइंडर जार में और पीस लेते हैं। अगर आप चाहें तो चाकू से भी दाने को अलग कर सकते हैं, या फिर कद्दूकस करने वाला आता है ना, उसमें घिस सकते हैं, तो उससे भी दाने अलग हो सकते हैं। लेकिन हमने हाथ से ही आसानी से ये दाने निकल गए, तो हाथ से ही हमने निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ताज़े हैं। तो इसको अलग रख देते हैं, और इसमें हम डालते हैं 2 हरी मिर्च और 4-5 हमने लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेते हैं। ज़्यादा पानी ना डालें, वरना फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो फिर पकौड़े बनाने के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, और सभी को हम पीस लेते हैं। जो बाकी हमने अलग रखे हुए थे उसको भी इसी तरह से छानकर हम पीस लेते हैं। तो इसको भी हमने पीस लिया, और ये हमारे पकौड़े बनाने के लिए भुट्टे हमारे पिस चुके हैं। तो इसमें हम डालते हैं जीरा, 1 टीस्पून खड़ा जीरा हम डालेंगे, और नमक 1 टीस्पून डाल रहे हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, बिल्कुल हल्का सा डालें। तो इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। अगर पतला पेस्ट आपका बन जाए तो इसमें आटा या बेसन या फिर चावल के आटे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं मिला रहे हैं। तो ये हमारा पकौड़े बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो हमने ऑयल चढ़ा दिया है, ऑयल गर्म हो गया है, अब हम डालते हैं, अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही पकौड़े डालें। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, और सभी को हम इस तरह से डाल करके पकौड़े बना लेते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर मोदी केयर को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो देख सकते हैं हमने सारे पकौड़े इस तरह से डाल लिए हैं, जितना तेल में आ सके उतना, और थोड़ी देर के बाद पलटें, तुरंत ना पलटें। ये नीचे से देख सकते हैं सिक गया है, जैसे ऑयल में झाग दिखता है, झाग कम लगे उसके बाद ही पलटें। तो इस तरह से पलटते हुए हम सेक लेंगे अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे। तो बहुत ही क्रिस्पी, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बारिश के मौसम में ज़रूर बनाएं भुट्टे के, जब भी भुट्टा मिलता हो तब आप बना सकते हैं। वैसे ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही मिलते हैं, ऐसे तो हमेशा कभी कभी मिलते रहते हैं। और बहुत ही अच्छे हमारे ये पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं, तो हम निकाल लेते हैं। और भी हम इसी तरह से पकौड़े बना लेंगे। आप चाहें तो हाथ से ना इस तरह से पकौड़े बनाकर आप चम्मच से भी बना सकते हैं, इस तरह से चम्मच से आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं। चम्मच से उतना गोल नहीं आकार आ पाता है, तो हाथ से आप जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन चम्मच से देख सकते हैं थोड़ा सा लंबे तरह से हो जाता है, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको भी बनाकर निकाल लेते हैं, ये भी हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप पकौड़े चाहे चाय के साथ खाएं या फिर चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ऐसे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। भुट्टे के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, कॉर्न पकौड़े देख सकते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारे पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो कमेंट करके बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, बनाइए और खाइए। हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।